नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मर चुके कसाब को जिंदा कर एक बार फिर हिंदू आतंकवाद पर बड़ा घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कसाब के सहारे हिंदुओं पर कलंक लगाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक नई किताब ने पुरानी कब्र को खोद डाला। इस किताब में लिखे शब्दों ने कलावे से कसाब को जोड़ा है और एक बार फिर छिड़ चुकी है हिंदू आतंकवाद पर बीजेपी और कांग्रेस में जंग। तो यहां फेस टू फेस में बीजेपी से संदीप दुबे तो कांग्रेस से रफी अथा होंगे हमारे साथ। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आप लोग चर्चा करें और एक बार फिर से एक दूसरे का सामना करें, उससे पहले खबर क्या कह रही है रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर कसाब जिंदा हो गया। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। दरअसल ये पूरा विवाद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और 26/11 आतंकी हमले की जांच करने वाले राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ के विमोचन के बाद शुरू हुआ है। राकेश मारिया ने अपनी किताब में सनसनीखेज राज उजागर किए हैं। उन्होंने बताया, पाकिस्तान और उसकी शह पर काम करने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद का रंग देने की गहरी साजिश रची थी, लेकिन आतंकवादी अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उनकी साजिश नाकाम हो गई थी। तो सियासी किरदारों को एक और मौका मिल गया गड़े मुर्दे उखाड़ने का। राकेश मारिया की किताब में लिखे शब्दों ने बीजेपी और कांग्रेस में एक और जंग को जन्म दे दिया। मेरे ख्याल से एक बहुत गहरी साजिश रची गई थी कांग्रेस द्वारा, यूपीए द्वारा। झूठ और फरेब का एक और नमूना उस समय हमने देखा था, जब उन्होंने एक पूरी तरीके से झूठा हिंदू टेरर की बोगी चिदंबरम साहब के कहने पे खड़ी करने की कोशिश की थी। तब और अब के बीच हिंदू आतंकवाद पर देश को गुमराह करने की बात होने लगी, तो बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। इधर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सच को झूठ, झूठ को सच, रातों रात कौन करता है ये हम भी जानते हैं। क्या पीछे पृष्ठभूमि अलग था? हिंदू टेररिस्ट बोलने के पीछे पृष्ठभूमि अलग है। ये गोलमाल और ताल गोल मार के सारे चीज को इधर के माल उधर ना करने का कोशिश करे तो बेहतर है। और कसाब किसने किस सरकार की समय हुए थी? यूपी के सरकार के समय, सब जानते हैं। और फांसी की तख्ता पे लटकाया, वो लोग कोशिश करेगा कैमोफ्लेज करने के लिए। यही तो टेररिस्ट का काम होते हैं। टेररिस्ट जब घुसते हैं किसी जगह तो टेररिस्ट बन के घुसते हैं, नहीं घुसते। अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर टिप्पणी की और कहा कि जब हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था तब एक अलग पृष्ठभूमि थी, आतंकवादी हमेशा छलावा करते हैं। बहरहाल अब हिंदू आतंकवाद पर एक दूसरे पर हमला हो रहा है। कसाब को कब्र से निकाल सियासी खेती में फसल को लहलहाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक बार फिर से सियासतदा कसाब के सहारे और हिंदू आतंकवाद के सहारे दिखाई दे रहे हैं। कसाब के नाम को लेकर हिंदुओं पर कलंक लगाने की कोशिश है और कौन ये घमासान मचा रहा है? आखिर इतने सालों बाद क्यों मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने अपने किताब के जरिए खुलासा किया? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि तब कहाँ थे आप? तो जांच अधिकारी भी थे, आपको मालूम था। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए था। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप दुबे और रफी अता कांग्रेस से। संदीप दुबे, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। यूपीए सरकार थी, मुंबई पर हमला हुआ, कसाब पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया, और पूर्व जो पुलिस के कमिश्नर थे 26/11 हमले की जो जांच पड़ताल कर रहे थे वो आज किताब के जरिए कहते हैं कि एक साजिश थी हिंदू आतंकवाद दिखाने की, अगर वो मारा जाता तो इस पर बवाल हो जाता। देखिए, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। बात ये कहनी है कि जब कांग्रेस के लोग
आज़ादी के बाद अब तक की बातें करते कि हमने शासन किया है, तो मुझे याद आता है 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का कहना था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। तो 47 के बाद आप राज कर रहे थे इतने साल और 800 गुट देश के अंदर सक्रिय हुए, आपने सक्रिय होने का मौका दिया, तो ये आपकी शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे गुट आतंकवाद के नाम पर न सक्रिय हों। भारत के अंदर जब आपको लगा कि आपको एक विशेष वोट बैंक को अपने पास रखना है, उसको डराने की कोशिश करनी है, तो आपने सबसे सॉफ्ट टारगेट लिया उन लोगों को जो बहुसंख्यक हैं और बेहतर ढंग से इस राष्ट्र के लिए तन मन धन से कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित सोचता हूं देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं, ऐसे जीवन के साथ इस राष्ट्र की बेहतर पल कल्पना कर रहे हैं, उनको आपने गलत तथ्य पे गलत आधारित तथ्य के आधार पे उनको एक तरह से चिन्हित किया और झूठे केस में फंसा दिया। तो हमें लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए था कि यह सरकार कितनी गिरेगी और गिरने के बाद इसका स्तर क्या है। कांग्रेस इस मामले पर यह कहती हुई दिखाई दी, चौधरी साहब सामने आए, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि दिन को रात कैसे कहना है, किस तरीके से झूठ को सच में साबित करना है। यूपीए की सरकार थी, जांच पड़ताल हुई, कसाब को फांसी के तख्त तक पहुंचाया गया। लेकिन अली अता जी, इतने साल बाद एक बार फिर से वो चिदंबरम वाली बात भी याद आ गई। पीयूष गोयल भी कह रहे थे कि चिदंबरम ने, कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद के शब्द को गढ़ा। देखिए, अभी जैसे अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे, संदर्भ जो होता है ना, संदर्भ वो एक अलग था। और ये बात जो कही है कसाब ने, वो तो देखिए वो एक छलावा तो उसने किया ही था, इसमें तो कोई नो डाउट है। कसाब को फांसी किसने दी? कसाब के ऊपर मुकदमा कब चला? हमारी सरकार में चला था। कांग्रेस कभी जैसे अभी कह रहे थे कि इतने आतंकवादी संगठनों को इन्होंने इनके टाइम में कैसे पनपे, तो मैं आज की तारीख में एक, अगर आप उसे क्या नाम देंगे, एक आतंकवाद कहे, उग्रपन उसे कहे, उद्दंडता कहे उसे, जो हुआ है, आप प्रज्ञा ठाकुर को किस श्रेणी में गिनते हैं? आरोपित है वो, है क्या नहीं जी? और जो मॉब लिंचिंग होती है, आप उसे किस श्रेणी में गिनते हैं? अभी भी विषय को विषयांतर कर रहे हैं, भटकाने कहां विषयांतर कर रहे हैं? हमारे कांग्रेस के नेता इस बात पे तैयार ही नहीं है कि आप किसी भी तथ्य को लीजिए। आप मानते हैं कि आतंकवादी होता है? आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान में कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया, मुसलमान में कांग्रेस ने कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया। आप किसी आप कौन है? कांग्रेस कभी आतंकवादी है, सही विषय पे लड़िए, जमानत के सही विषय पे लड़िए। हम जब आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो अलग अलग होते हैं, ये भी उतना ही अलग अलग होते हैं हमारे लिए। आप बताइए, आप इंदिरा गांधी जी के हाथ दंगों को किस श्रेणी में गिनते हैं? उग्रवाद कहां नहीं था? 600 जिले में कोई ऐसा कोना नहीं देश में बचा जहां पे आतंकवाद। क्या हिंदू होना गुनाह है? हिंदू अगर कोई है तो वो दोषी है। आप उसको डरवाएंगे, उसको डर के भय के साए में रखेंगे। इस देश में आतंकवादी का कोई जान नहीं होती। जब आप मुसलमान की बात करेंगे, आप हिंदू आतंकवादी करेंगे, अच्छा की बात करूंगा। ये देश में सबका देश है, उनका हिंदुओं की वजह से है। ये देश सेकुलर है तो हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी वजह से है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये तो सही बात है। आप नहीं आए, आपके बहकावे में कभी नहीं आए। धर्म नहीं होता, आतंकवादी आपके बहकावे में कभी, कभी इस देश का बहुसंख्यक समाज नहीं आया, इस देश का भला नहीं है। आपने उसे कांग्रेस विभाजित किया है, कभी किसी जाति सेकुलर दल के नाम पे ये डर है, नकली सेकुलर दल बनाए हैं, इसलिए दिक्कत आता है। इस विषय पे हमें सोचना चाहिए, कांग्रेस को बार बार इस विषय पे सोचना चाहिए। सोचना आपको चाहिए, कांग्रेस इस देश की मुख्य धारा में चलती है, मुख्य धारा में थी, मुख्य धारा में रहेगी। आपकी जो धारा है ना, उस पे आपको सोचने की
जरूरत है। आप ये बताइए जब कांग्रेस केसरिया रंग को क्या नाम दे दिया था कि नहीं? आपने केसरिया रंग का क्या हाल कर दिया? आप बताइए मध्य भारत में क्या स्थिति थी? आप बताइए जो सेवन सिस्टर स्टेट है उसकी क्या दुर्दशा आपने कर रखी थी? आप डरवा के एक तबके से दूसरे तबके को डरवा के राज करना चाहते हैं? विषयांतर ना होइए। रफीता एक बात का जवाब दीजिए, हिंदुओं को आतंकवाद से किसने जोड़ा? यह हिंदुवाद आतंकवाद का शब्द किसने दिया? एक सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर आज ये बात अपने किताब के जरिए कह रहे हैं, उस समय जांच पड़ताल उन्होंने की थी, जांच अधिकारी थे, जो जाहिर सी बात है उस समय आपको बताया गया होगा जांच में, केंद्र में आपकी सरकार थी, रिपोर्ट आपने मांगी होगी कि एक साजिशन ऐसा ऐसा हो रहा है, तब क्यों ये बात सामने नहीं आई? देखिए, जो कांग्रेस ने कभी नहीं जोड़ा, जो चिदंबरम जी ने उस वक्त कही थी, उस वक्त का संदर्भ था, आप उस वक्त के परिदृश्य में जाइए, उस काल में जाइए, उस समय में जाइए, हाँ जाइए, उस समय के अंदर सामने आ जाएगी। ब्लास्ट होता है हमारे गांव में, ब्लास्ट होता है गोदासा में, ब्लास्ट होता है नई दिल्ली के अंदर, ब्लास्ट होता है आश्रय देते हैं, ये सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, सारा नहीं तय करेगी, सारा सामने आ जाएगा, अपनी जिम्मेदारी सामने आ जाएगा, क्यों देश की हकीकत सामने आ जाएगी, आतंकवाद को जानता है संगठन इस देश में खड़े हुए, आपने क्यों इस देश के अंदर ऐसे आतंकवादी परिभाषित करने की जरूरत नहीं है? आपने केसरिया रंग को, आपका ग्रीन रंग भी था, आपकी सरकार थी ना उस समय, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं होती थी, जब आप आज को सुनिए तक पहुंचा दिया आपने आतंकवाद को, आपने भगवान को क्या नाम दिया? चोरी को छुपाने के लिए दूसरे को चोर कहेंगे, आप सुनिए चोरी को छुपाने के लिए यही बात सुनिए, आप क्या काम की है, आप क्या काम की है? देखिए ये मैं इनको एक बात कराता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल जाके, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, इन्होंने केसरिया का क्या हल किया है? आप खुद उस चीज को, मेरे यहाँ केसरिया सर के पर पगड़ी बांधते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे यहाँ भात में लगन में भगवा साफा दिया जाता है, हमारे यहाँ लगन लिखा जाता है, उसमें भी केसरिया जो हमारे पीला होता है राजस्थान की संस्कृति का, वो पीला दिया जाता है, और उस पीले के साथ लगन में आप बताइए क्या गलत है? सुनिए, मैं हिंदू तो केसरिया नहीं बांधूंगा, अरे मैं हिंदू हूं, आपने क्या किया उसका हाल? हमने ये कहा है, आप क्या मांग रहे हैं? टोपी लगाओ केसरिया को, क्या केसरिया बांधे तो गलत, यही गलत बात है, आप टोपी लगाओ तो ठीक, आप केसरिया बांधे तो गलत, अजमेर में ब्लास्ट कराते हो, जयपुर में ब्लास्ट होता है, रामपुर के अंदर ब्लास्ट होता है, हैदराबाद में ब्लास्ट कराते हो, आप आज हमारे गांव में पढ़ाते हो, मुंबई में कहा, कौन ऐसी जगह थी जहां पे डर नहीं पैदा किया लोगों के अंदर? कौन सा मुकदमा चल रहा है? आपने डर आप संसद में बैठे हो, प्रधानमंत्री है, अरे झूठ बोलते हो आप, झूठ बोल रहे हैं, अभी मालेगांव का केस चल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, उसको बाहर करा हुआ है, आप लोग जानबूझ के इस देश के अंदर को भी जमानत दे दिया चाहते हो, आपने माया कोटारी को भी जमानत दिलवा दी है, और सुन लो, मुस्लिम और हिंदू के मन में डर पैदा करके कांग्रेस इस देश में सत्ता में कभी वापसी नहीं करेगी। आप डर पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस समरसता चाहती है, कांग्रेस समरसता लेके आती है, कांग्रेस भाईचारे की बात करती है, आप इतने नफरत की बात नहीं करती, नफरत की बात आप करते हो, नफरत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म को धर्म से लड़ाते हो, भाईचारे हम धर्म को धर्म से नहीं लड़ाते, हम धर्म को धर्म से जोड़ते हैं, हम धर्म को धर्म से जोड़ते हैं, मैंने अभी कहा, मैंने अभी कहा आपको, श्रेष्ठ भारत है, सबका भारत है, ये सबका भारत है, यही मैं कहता हूँ, 80 करोड़ हिंदुओं का ही नहीं, ये 132 करोड़ सारे भारतीयों का भारत है। संदीप दुबे, आज तो इनके मुंह से निकली बहुत अच्छी बात, नहीं नहीं अच्छी बात है, एक बात बताइए, मैं आपके जरिए जानना चाहता हूँ, लेकिन जब इनके गृह मंत्री ये बात बोल रहे होते हैं तो इनको शर्म नहीं आती, आप क्या गृह मंत्री बोलते हैं, जब आप क्या गृह मंत्री बोलते हैं, क्या शाहीन बाग को ऐसा क्यों लगाओ, शाहीन बाग में कौन रहता है? देखिए शाहीन बाग पहुंच गए, आप शाहीन बाग को कैसे लगाने वाले, हिंदू को बदनाम करने की कोशिश क्यों है? नहीं है, निस्वार्थ नहीं है ये, आप शाहीन बाग को करंट लगाने वालों, आप बात करोगे समरसता की? ये शाहीन बाग पहुंच गए, अब कुछ दिनों बाद देखिए कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, कहां से अभी पूरे भारत की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता अब शाहीन बाग पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, इस देश की संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, तुम नहीं चाहते कि यहां के भारतीय एक हो, अरे हम वो लोग हैं, तुम तो चाहते हो कोई बाहर से आए, यहां बम
बम गिराए और तुम उसको बिरयानी खिलाओ, कितना बिरयानी खिलाओगे? अरे कितना नापाक संदीप दुबे, संदीप दुबे, सुनिए, इस देश में दो प्रधानमंत्री हुए हैं जो पाकिस्तान गए, 16-17 प्राइम मिनिस्टरों में से दो गए, देश की जनता को बता दो बांग्लादेश जाना जुर्म है, पाकिस्तान जाना जुर्म है, आप दोनों की कैसे बात करते हो? एक और बोलता हूं, अरे संदीप जी समर्थन करते हो, ये बता दो, और दूसरा आपको पाकिस्तान जाने में दिक्कत है, दोनों राजनीति को एक तरह ऐसे पालते हो, आप तो किसी के नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो, कोई सगा नहीं जिसको ठगाते हैं, वेद प्रकाश, वेद प्रताप वैदिक आदि हाफिज सईद के साथ बंद कमरे में बैठते हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना? अरे सर, सर कांग्रेस के लोग पहले डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं, आपको पता नहीं था किस विचारधारा पे चलते हैं, तो खूबी है देश की एकता, यही तो खूबी है, अखंडता चाहिए, यही खूबी है, तोड़ कई तरह के विचारधारा, खड़े हो जाओ फिर टुकड़े, कई तरह की विचारधारा, वो भी नहीं है, तुम किसी के साथ खड़े ही नहीं हो सकते आप लोग। संदीप दुबे, इस किताब को, इस किताब में लिखी गई बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्यों इतने वक्त के बाद एक किताब आई, नई किताब, और जन्म पुराने मुद्दे का हो गया? और क्या ISI ये दिखाना चाहती थी, जिस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड मिला, कहाँ बना, ये सब जानते हैं आप लोग, बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप लोग तो जांच पड़ताल का हिस्सा रहे और सियासी लोग जानते हैं, और कसाब का असली नाम क्या था संदीप आप जानते होंगे, आप लॉयर भी हैं, लेकिन क्या ये हिंदू आतंकवाद शब्द अलग आया और उसके बाद जब जोड़ा गया, इतना वक्त क्यों लगा? उस समय जब जांच अधिकारी थे, बात पता चल गई, किताब में लिखने के लिए वेट किया क्या? इतने साल बाद किताब में लिखकर इस बात का जिक्र करूंगा। देखिए, आज खुशी होती जब कांग्रेस के मित्र इस विषय पे हमारे साथ होते और कहते कि देखिए आतंकवाद का कोई जाति और धर्म नहीं, आपके साथ तो खैर कोई खड़ा नहीं हो सकता, अब खिलाने लगे ये विषय पे, जब भी बात करें कभी विषय पे बात सुनेंगे नहीं, देश के साथ है, बात होने नहीं देंगे, हम देश में ही रहेंगे, सर देश के साथ होते हैं तो देश के एक वर्ग के साथ इस तरह गलत नहीं होने देंगे, देश के साथ नहीं, देश को डिवाइड करने में लगे हुए हैं, देश के साथ खड़े होने का मतलब है वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, बिना भेदभाव किए उसके साथ खड़े होना, आप बिना भेदभाव किए खड़े ही नहीं हो सकते, भारतीय जनता पार्टी हारी है, कांग्रेस को 0% सन्नाटा मिला है, ये अपनी नहीं देखेंगे, कांग्रेस खत्म हो जाए ये भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं आएंगे, आपको किस बात का चिड़ है, कांग्रेस को किस बात का भारतीय जनता पार्टी से चिड़ है, सिर्फ इसलिए ना कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने का प्रधानमंत्री बात करता है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, इसीलिए चिड़ है वो, पूरे देश को एक श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करता है इसलिए चिड़ है, वही प्रधानमंत्री मुझे मेरे कपड़ों से पहचानता है, वही प्रधानमंत्री मुझे मेरे कपड़ों से पहचानता है, बिल्कुल, आप साइन बाग चिल्ला रहे हो, वही प्रधानमंत्री बात करो ना सर, विषय पे आओ ना, मुद्दों पे बात करो, इस देश का कोई भला नहीं होने वाला। मेरा संदीप से सवाल कुछ और था, वो जवाब दे रहे, सुन लीजिएगा फिर आपके पास जवाब, ये सवाल लेके आ रहा हूं, हम ये कह रहे हैं भाई, आप हो हम हो, किसी जाति धर्म के हो, ये हिंदू, मैं हिंदू हूं या मुसलमान है, आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के जमाने में जिस तरह की घटनाएं हुई और जिस तरह की घटनाओं को आगे लाके रखा गया, ये को डराओ, ये इतनी बड़ी साजिश, इतनी भयानक साजिश कि देश इसे माफ नहीं करेगा, और देश ये समझा, इसलिए आज कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस आज हाशिए पे जा रही है, ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों का ही कमाल है कि वो अब हाशिए पे चले जा रहे हैं, उनको कोई अब पूछने वाला नहीं है, देश में ये किस बात से खुश है? आज देखिए दिल्ली के अंदर हम हारे, हम सर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जमानत बचा पाए उसमें भी खुश है, कह रहे हैं कि साईं बाग देख लो, तो ये कांग्रेस की स्थिति है, इतनी बड़ी जो स्थिति है कांग्रेस की, उसके लिए कांग्रेस कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखेगी, स्वयं में सुधार नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ देश को कैसे बांटना है, जातियों के जातियों के कैसे करना है, इसका ध्यान रखेगी, और हिंदू मुस्लिम ये करेंगे, देख लीजिए अभी यही बैठकर ये कर रहा है शख्स, जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, हिंदू मुस्लिम यहां बैठ के कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आतंकवाद का ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है, और जो काम हुआ, जो कलेवा वाली बात थी, ये सारी विषय जो है बहुत ही देश को सोचने वाली विषय है, आम जनता इसको महसूस कर रही है, साजिश कह रहे ना, उसका जवाब भी मिलेगा, कांग्रेस की साजिश करार दिया, पुलवामा हमला हुआ उसे साजिश करार दिया, उसमें राजनीतिक पार्टी का हाथ बता रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस के लोग जवाब पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आपसे पुलवामा के बारे में, बताओ ना, ये तो अच्छा हुआ कि देश की जांच गलत क्या है, अगर पुलवामा की जांच नहीं आती तो क्यों नहीं आती, न्यायपालिका क्यों नहीं आती, इतनी मजबूत है, न्यायपालिका ने उनको सही जवाब दिया,
किया था, पुलवामा हमला किया था, जिसको ये अगर ये पूछने का अधिकार नहीं है, पुलवामा के बारे में जानकारी लेने का अधिकार तो सबको है, जो देश के लिए आज मीडिया के लोग पूछ रहे हैं, द्रोही बनाने में लगे हुए थे, जो मीडिया आपको प्यारा लगता था, जो मीडिया आपको पसंद था, वो मीडिया भी आपसे सवाल कर रहा है कि पुलवामा के बारे में पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, पुलवामा के बारे में पूछेंगे, कांग्रेस आप चुनाव जीत चुके पुलवामा के बारे में पूछने का हक नहीं झांकती है अपने अंदर, क्यों नहीं बताओगे, पुलवामा के बारे में बताओगे, इस विषय को समझे, पूछने का मतलब देशद्रोहिता नहीं है, पुलवामा के बारे में बताना क्यों नहीं पड़ेगा, छब्बीस ग्यारह के बारे में बता दीजिए ना, जवाब दिया जा चुका है रफीता, आप 26/11 के बारे में बता दीजिए, आप कसाब की असलियत बता दीजिए, आपके पास जांच की फाइल आई होगी, उसमें लिखा होगा हाथ में कलावा और आई कार्ड कहाँ बना, इस देश के किस कोने में बना, और भाई जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दो, मुद्दों पे आओ, मुद्दों पे बहस करो, हम देश के 135 करोड़ आदमी पे बात करें, हम देश के 135 करोड़ आदमी थोड़ा आराम से मारिए, आपको बेरोजगारी नहीं दिखती, आपको लाचारी नहीं दिखती, आपकी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आपकी लड़ाई है, हिंदुओं को कैसे टेबल पर पहले आराम से मारिए, जितना जोर नीचे लगा रहे हो उतना जोर सवाल का जवाब देने में लगाइए, कि 26/11 हमले को लेकर जांच पड़ताल हुई और आज इतने वर्षों बाद किताब के जरिए ये कहने की जरूरत पड़ी और ये बताने की जरूरत पड़ी, क्या पूर्व कमिश्नर पुलिस कमिश्नर मुंबई के जिन्होंने जांच पड़ताल की उन्होंने ये बात छिपा के रखी, या एक खुलासा करूंगा, एक बम फोड़ूंगा, बाद में बताऊंगा, आपके पास कोई जानकारी नहीं थी क्या? क्योंकि आप ही लोगों ने, मतलब कांग्रेस ने ही हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा, और उसके बाद जब जांच पड़ताल की बात आई तो कसाब के आइडेंटिटी कार्ड कहां बना ये भी आपको पता लगा होगा, हाथ में कलावा कैसे बना ये भी आपको पता लगा होगा, देश की व्यवस्थाओं पे कब्जा कांग्रेस के लोगों ने किया था, कि बड़े पद पे बैठे हुए पदाधिकारी अधिकारी भी उनके मन में कितना इन लोगों के प्रति डर है, वो डर आज जाके निकला है, एक व्यक्ति जो अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जीता है, उसको मौका मिला अपनी बात रखने को, कांग्रेस पश्चाताप नहीं करेगी किसी विषय पे, जवाब देगी, चोरनी की तरह गाल बजाएगी और दूसरों पे उंगली उठाएगी, अगर यही काम कांग्रेस की अब रह गई है, एक बात तो देश की जनता उसको जवाब दे रही है, संदीप भाई एक बात और है उसमें, उस उन किताब में जिक्र किया गया है, अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये बात साबित भी कर दी जाती, 100% ये बात साबित भी कर दी जाती, रफीता ये आपके लिए सवाल है, कलेवा बदा हुआ जिंदा पकड़ा गया तब उसकी असलियत सामने आ गई, अगर वो मर जाता उसी हालत में, उसी आइडेंटिटी कार्ड के साथ, उसी पहचान के साथ, तो आप यही कहते हैं एक बार हिंदू आतंकवाद, आपको बदनाम करके इस देश की एक बहुत बड़ी, नहीं रफीता को जवाब दे दीजिए ना, वो सोच रहे हैं बहुत देर से, एक बात बताएं, मालेगांव भी इस देश में हुआ है, अजमेर में दरगाह में बम हुआ है, कब हुआ, कांग्रेस मक्का मस्जिद में भी हुआ है, समझौता एक्सप्रेस में भी हुआ है, किसी भी जाति धर्म का हो देश से बड़ा नहीं हो सकता, तो अगर वो आतंकवादी है तो है, उसको सजा क्यों नहीं, उसको हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हो, तभी आरोपियों की जमानत हो जाती है, तभी आरोपियों की जमानत हो जाती है, दंगों में सजा पाए व्यक्तियों की जमानत हो जाती है, देश में रहने वाले करोड़ों लोगों का दंगों में जो सजा मिली हुई है, कोर्ट जिनके बारे में कहता है ये आजीवन जेल में रहना चाहिए, जो बाहर छोड़ने के लायक नहीं है, वो सड़क पे आ रहा है, वो किसी जगह बाहर घूमता है, आप पिक्चर मत बनाओ, इस देश में होता है, देश को देश रहने दो, अरे इस देश में क्या हो रहा है, चाहिए ऐसे सारी दुनिया जान रही है, इस देश में क्या हो रहा है, देश में आतंकवाद को गढ़ती है, एक नए पैमाने देती है उसको, और उसको एक धर्म का रूप देती है, इस रूप से दुखी है हर भारतीय, कांग्रेस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, जितनी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सेंटर आपके पास था, कभी नहीं आपके पास थी, लेकिन हम ये सवाल करेंगे, किसने रोका, सवाल करेंगे, पाबंदियां होती है संदीप भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद पर बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि एक किताब नहीं आई, उसने कसाब को कब्र से बाहर निकाल दिया, और ये बात कही गई कि ISI ये साजिश रच रही थी कि हिंदू आतंकवाद के जरिए एक बार फिर से भावनाओं को भड़काया जाए, हिंसा की जाए, और वो जिस तरीके से उस घटना 26/11 की घटना और कसाब का जिंदा पकड़ा जाना ही बेहतर इसलिए था क्योंकि मर जाता तो हाथ में कलावा था, आइडेंटिटी कार्ड बना था, उसमें नाम हिंदू का था, जी हाँ, और उसी पर सियासत हो रही है। फेस टू फेस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।